Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. बच्चों 2IITians के सारे concept video पाने के लिए join button पर click करें या फिर इस number पर call करें. आप हमसे Google Meet पर live class भी कर सकते हैं, उसके लिए इस number पर WhatsApp करें. शुरू करते हैं work energy power. और हम लोग ये पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और याद कर लिया था वर्क की और एनर्जी की यूनिट होती है जूल और पावर की यूनिट होती है वॉट. क्लास 10th लेवल डेफिनेशंस आपके सामने हैं. तो वर्क तभी कहा जाता है कि डन हुआ जब अ फोर्स कैन मेक द बॉडी मूव. और एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क. पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. यानी पावर और एनर्जी की डेफिनेशंस वर्क पर डिपेंडेंट है. वर्क एनर्जी पावर तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है. वर्क और एनर्जी जूल में मेजर की जाती है, पावर वॉट में मेजर की जाती है. वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हम लोग अभी तक दो टाइप की एनर्जी पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, है ना. जैसे अगर किसी हाइट पर कोई बॉल पड़ी हुई होगी जिसका मास m है, तो हाइट की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी. और फिर उसके बाद जब ये बिल्कुल लेवल ग्राउंड में आ जाएगी तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी. ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, पावर का फॉर्मूला हो गया, दोनों एनर्जीज का फॉर्मूला हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया. कोई ये भी कह सकता है कि टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये भी हम लोग लगाएंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होता है कि किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल इंडिविजुअली अदलती बदलती रहेंगी. और फिर आता है वर्क डन बाय अ मूविंग बॉडी इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. वैसे तो इंक्रीज इन इट्स एनर्जी बोलना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए सब कुछ प्लेन लेवल पे चल रहा है तब वर्क डन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. आप यहाँ पे टोटल एनर्जी भी कर सकते हैं अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी भी साथ साथ में चेंज हो रहा है. अगर सब कुछ लेवल ग्राउंड में हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से कर ही दे रहे हैं. ये फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट, ये दोनों मिलाकर क्या कहेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, तो ये सब कॉपी कर लीजिए, सब बेसिक्स है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं. ये रही क्लास 11th की डेफिनेशन. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और वो इसी डायरेक्शन में चले तो वर्क डन कहा जाएगा. आगे आप देखेंगे कि हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और वो किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, या वो नहीं ही चल रहा है, या वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वर्क डन जीरो है. ये तीनों केसेस आपको देखने को मिलेंगे. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगी. अभी 10 न्यूटन लग रही है तो बाद में भी 10 ही न्यूटन लगती रहेगी, हर समय उतनी ही फोर्स लगती रहेगी. ये है कांस्टेंट का मतलब. अब जब हम 10th में थे तो हम लोगों ने वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लिया था, और इनटू में हम लोग यहाँ पे क्रॉस लगा लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस डॉट में हमें फर्क ही नहीं पता था.
अब हम लोग 11th में आ गए, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अंतर होता है। अब हम लोग जानबूझ के डॉट लगाएंगे और डेफिनेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे कि वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो जब 10th में थे तो भाई फोर्स इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो कुछ खास हमें फर्क नहीं समझ में आया। फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये तो हम जानते ही थे। लेकिन अब इधर आते हैं, यहां पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो ऊपर की तरफ लगा के भी ये आगे की तरफ बढ़ सकता है। कैसे? आपने जरूर देखा होगा कि एक ट्रॉली बैग है, उसमें पहिए लगे हुए हैं और आंटी अपना इसको एयरपोर्ट में लेके चल लेंगे, ठीक है। तो आंटी क्या करती है, अपने हाथों से ऐसे फोर्स लगाती है तब भी ट्रॉली आगे जाती है ना? तो ऐसा नहीं है कि ऊपर लगाएंगे तो ये उठ जाएगा। हाँ, एक एंगल ऐसा होगा, एक फोर्स ऐसी होगी जिस पर ये उठ भी सकता है, सही बात है। लेकिन अभी हम लोग मान रहे हैं कि बॉक्स या ब्लॉक हमारा सफिशियंटली हैवी है कि इसकी वजह से लिफ्ट इसमें नहीं हो रहा, लिफ्ट वाला केस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जब जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन जो भी ट्रॉली बैग लेके जाता है तो वो ये जानता है कि इतनी ही फोर्स से ये काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा क्या यहाँ पे चेंज आया डेफिनेशन में, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स हमारी अलग ही डायरेक्शन में लग रही है, तो हम क्या करें, फोर्स की डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले आते हैं और यहां पर हम लोग कॉम्पोनेंट बाजी कर देंगे। कैसे? इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बना लेंगे और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट बना लेंगे। कौन सा रूल लगा रहे हैं? पैरेललोग्राम रूल लगा रहे हैं। पैरेललोग्राम में ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और ये वाला हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा था, तो ये वाली फोर्स हो गई F cos थीटा और ये वाली फोर्स हो गई F sin थीटा। अब आप बोलेंगे F cos थीटा फोर्स इसको वर्क डन की डायरेक्शन में ले जाएगी, यानी कि वर्क डन करवाने का काम करेगी, बिकॉज F cos थीटा की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। किसी किसी बुक में एफ डॉट एस भी लिखा रहता है डिस्प्लेसमेंट वाला, तो आप दोनों कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी एस कर दूंगा। और एफ साइन थीटा क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ उठाएगा। तो अब हमारा वर्क डन कैसा हो जाएगा, एफ नहीं लेंगे हम लोग, ये वाली नहीं लेंगे, एफ कॉस थीटा लेंगे, एफ कॉस थीटा इंटू डी, ठीक है। तो अब इंटू डी है तो यहां पर डॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा कब आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है। जब हम लोग एफ डी कर रहे हैं तो याद रखिएगा एफ भी वेक्टर है, डी भी वेक्टर है और वर्क डन स्केलर है, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का। वेक्टर्स का जब स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है तो रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है। हम लोगों ने सीखा था कि मतलब दो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ए डॉट बी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर आएगा। दो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो जो ये रिजल्ट आएगा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो अब वही ज्ञान जो ये वाला है वो हम लोगों ने यूज कर लिया। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने डेफिनेशन लिखी है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन यहां पे आपने किया है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, आपने जो आप बात पूछी है उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर सकता हूं।
ये अगर ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? आप ये मत सोचिए कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो ये उखड़ के बाहर चला जाएगा, ठीक है? अभी ये सफिशियंटली इतना वेट है कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको हटा नहीं पा रहे, तो ये ऐसे लगाएगा और ये नीचे हटा जाएगा। तो ऐसे केस में आप इसे पॉइंट मास मान लीजिए और आपकी इनिशियल पोजिशन ए है और फाइनल पोजिशन बी है। अब आप क्या करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से लाइए और एक वर्टिकल लाइन यहां से लाइए, ठीक है? तो जो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप देखेंगे कि ये भाई 90 डिग्री बन रहा है। जब ये 90 डिग्री बना रहा है तो आप कहेंगे कि जो इसका ये डिस्प्लेसमेंट है वो हमें अपना बॉक्स तो इतना चला है ना, एस चला, लेकिन अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाए। कैसे? करेस्पॉन्डिंग सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है यहां से यहां कैसे हो रहा है, आप एक और इमेजिनरी लाइन यहां पे बना दीजिए, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये थीटा कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब जब ये वाली चीज एस है, ये एस है, तो ये वाली एस कॉस थीटा होगी, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है? एस कॉस थीटा। तो बस एफ और एस कॉस थीटा को हम लोगों ने सेम डायरेक्शन में कर लिया, तो यहां पे भी वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ मल्टीप्लाइड बाई एस कॉस थीटा। इस बार मैंने एस ले लिया, वहां पे डी लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एस कॉस थीटा, तो अब आप कह सकते हैं वर्क डन बिल्कुल वैसा ही एफ डॉट एस जाता है। डिस्प्लेसमेंट को आप एस भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एस ज्यादा स्टैंडर्ड है, एस लेना ज्यादा अच्छा है, डी में डिस्टेंस का फ्लेवर आ जाता है, लेकिन एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहता है। तो हम लोग ने सीखा दो स्केलर चीजें, दो वेक्टर चीजें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट देकर स्केलर चीज दे देती है, यानी वर्क दे देता है। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग कर लेते हैं बात डायमेंशंस की। तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-1, है -1 नहीं भाई, -2। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है, ये तो दूरी ही है ना, मतलब कितना आगे चला, लेंथ है एक तरीके से, तो इसकी डायमेंशन हो जाती है एल। ये ऐसे लिखी जाती है, ये सब बक्से लगाते रहते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हमें निकालना है वर्क की डायमेंशन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स की डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, MLT-2 और L, क्या हो जाएगा? वर्क डन की, वर्क की डायमेंशन ML²T-2। याद भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं बोलूंगा सिर्फ आप फोर्स की डायमेंशन याद करें और किसी चीज की डायमेंशन ना याद करें, बाकी सब आप डिराइव कर सकते हैं, एटलीस्ट ये याद करिए। चलिए, ये तो हो गया डायमेंशंस की बात। फिर आ जाता है यूनिट की बात। अब बच्चों, यूनिट जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक ग्रेविटेशनल यूनिट। होता क्या है कि एब्सोल्यूट यूनिट ही हम लोग ज्यादातर पढ़ते रहते हैं, है ना? तो चलो अभी हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट्स कर लेते हैं। अब एब्सोल्यूट यूनिट्स में भी दो तरीके की होती हैं, एसआई और सीजीएस, ठीक है? तो इसको एसआई एब्सोल्यूट यूनिट्स बोल देते हैं या एब्सोल्यूट एसआई यूनिट बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए भाई? वर्क की एसआई यूनिट होती है
अरे बोलो बच्चों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? चलो बताना पड़ेगा इसका मतलब। चलो बच्चे कमेंट में कहेंगे कि सर आपसे कितने मतलब कमजोर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब गजब ही हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वर्क की फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो वर्क की यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वर्क की यूनिट बना दी गई क्या? जूल। ठीक है, तो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। अगर नाम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सिंबल में ऐसे लिखेंगे। और सीजीएस यूनिट जो होती है वर्क की होती है अर्ग, और अर्ग का कोई सिंबल नहीं होता है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ऑफ फिजिक्स ज्ञान हो गया। अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स इस चीज की पढ़ाई होती है कि कोई व्यक्ति अगर ऑफिस में बैठा है तो जब वो कंप्यूटर चला रहा हो तो उसकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर वो टेढ़ी पीठ करके कंप्यूटर चला रहा है या बहुत ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन के पास है तो उसकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अर्गोनॉमिक्स के रूल्स का पालन वो आदमी नहीं कर रहा है। तो अर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ऐसा होता है कुछ। तो इसीलिए अर्ग वर्क से रिलेटेड हो गया। जिस तरह से हम लोगों ने यहां पर न्यूटन मीटर को जूल लिखा है, तो यहां जूल की जगह हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, और उसी तरह न्यूटन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डाइन। और मीटर की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। ठीक है, तो डाइन सेंटीमीटर अर्ग होता है, न्यूटन मीटर जूल होता है। आपको ये भी बता दें, इस ज्ञान को समझने के लिए मतलब इस ज्ञान के आगे जो बात आने वाली है उसमें एक चीज यूज होगी, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। ये कैसे आता है ये मैंने फोर्स वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी हमारा गोल ये है कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, ये हम लोग अब करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब स्कूल में बहुत पूछा जाता है, तो कर ही लिया जाए। अगर हमें ये पता करना है तो फिर से वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। 1 जूल क्या होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब आपको सीजीएस में जाना है, एक तरीके से अर्ग वगैरह में जाना है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन को क्या आप लिख सकते हो? 10^5 डाइन लिख सकते हो, और 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हो? 10^2 सेंटीमीटर। मतलब यार ये तो आता ही होगा यार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वही हो रहा है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10^5, और 10^2 हो गया कितना? 10^7 डाइन सेंटीमीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 10^7। अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि जैसे न्यूटन मीटर जूल होता है वैसे ही डाइन सेंटीमीटर अर्ग होता है। तो बस ये सीख लिया हम लोगों ने, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, ऐसे प्रूव किया जाता है। ये कभी कभी स्कूल के टीचर पूछ लेते हैं परेशान करने के लिए। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स में हम लोग ये समझ चुके थे कि एसआई यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। अब थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ाते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट्स होती है जहां पर एसआई यूनिट है केजी मीटर और सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर। अब ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यार अगर हम लोग वर्क डन कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां मीटर सेंटीमीटर दिख रहा है, ये तो सही है, और इस तरफ वाला फोर्स है, लेकिन ये फोर्स की जगह मास लिखे दे रहे हैं,
तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। लिखते इसको केजी मीटर है, लेकिन समझते इसको केजीएफ मीटर, लिखते इसको ग्राम सेंटीमीटर है, लेकिन समझते इसको ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब बात को समझो, 1 केजीएफ कितना होता है? ये भी बिल्कुल इसी तरह, 1 केजीएफ होता है, आपको इसको इस तरह समझना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एमजी के हिसाब से, कि 1 केजी ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाती होगी, ये समझना है आपको भाई। तभी तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। और ग्रेविटेशनल पुल कितना होता है? मास हमने 1 केजी रख दिया, और ग्रेविटेशनल पुल हमने, अरे ये वर्क डन नहीं है, ये वेट है, ठीक है? यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन ना हो, एफ इज इक्वल टू एम ए जैसे होता है यार, वैसे ही वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो मास 1 केजी है, जी क्या हो गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह हम लोगों ने लिख दिया न्यूटन, और ये हो गया 9.8। तो याद रखिएगा, 1 केजीएफ का मतलब होता है द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ 1 केजी मास इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो अब ये क्या है, W आ गया 9.8 न्यूटन। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि 1 केजीएफ 9.8 न्यूटन। समझ में आई बात? उसी तरह आप लोग मुझे बताएं 1 जीएफ कितना होगा, 1 ग्राम फोर्स कितना होगा। यहां पे क्या करेंगे, मास की जगह हम लोग 1 ग्राम लिख देंगे, ठीक है? और यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह क्या लिखेंगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? मीटर की जगह 9, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इंटू 980 भाई मीटर, 9.8 मीटर कितना होगा, 980 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये करना पड़ता है, इसमें जबरदस्ती हम लोग ग्रेविटी पे फिक्स रहते हैं, इसीलिए ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो गया? हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी अभी करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने ये किया कि न्यूटन मीटर को हम लोगों ने नया नाम दे दिया जूल, उसी तरह जब W इज इक्वल टू एम जी करते हैं, एम जी के जी में होता है, और एक्सेलरेशन, ये W क्या है, वेट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर को नया नाम दे दिया जूल, और के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोगों ने नया नाम दे दिया न्यूटन। ये हम लोग ऐसे फोर्स में कर चुके, तो इसीलिए मैंने यहां पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह न्यूटन लिख दिया, 1 इंटू 9.8, 9.8 आ गया। उसी तरह से अब यहां पे देखिए, जो काम 1 केजी इंटू 9.8 किया, 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, तो 1 इंटू 980, 980 आ गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नया नाम दे दिया हम लोगों ने क्या, डाइम। बस अब हम लोग 1 जीएफ को क्या कर सकते हैं, 980 डाइम कर सकते हैं। तो दो स्टैंडर्ड, जैसे मैंने ये डेरिवेशन किया, वैसे ही मैंने आपके लिए ये वाला भी डेरिवेशन कर दिया, कि 1 केजीएफ ऐसा होता है और 1 जीएफ ऐसा होता है। आप जल्दी से इन दोनों डेरिवेशंस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इन्हें किनारे लिख देता हूं। तो अब यहां पर इसको समझते हैं, तो केजी हम बोलते हैं, लेकिन समझते केजीएफ मीटर है, जीसीएम बोलते हैं, लेकिन समझते ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब अगर कोई कहे कि भाई केजीएम को आप न्यूटन में चेंज करिए, या ग्राम सेंटीमीटर को आप अर्ग में चेंज करिए, भाई ऐसा पूछा जा सकता है,
तो हम लोग करते हैं, वो भी चीज अब करना पड़ेगा। चलिए ये इसको ऊपर लिख लेते हैं, 1 GF इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर। कोई स्कूल का बुरा टीचर आपको ये भी डिराइव करने के लिए दे सकता है। हालांकि जब आप कॉम्पिटिटिव में रहेंगे तो हमेशा आपको ज्यादा यूनिट में परेशान नहीं किया जाएगा इन जनरल, वो डिफेंस वगैरह में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जेई में नीट में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो अब बात कर रहे हैं हम कि इसे न्यूटन में लाना है। 1 AGM लिखते ये हैं, समझते ये हैं, 1 KGF मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। हम जानते हैं 1 KGF कितना होता है, 9.8 न्यूटन, और मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, ठीक है? तो 9.8 न्यूटन मीटर, तो इसको लिख सकते हो आप 9.8 जूल। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 KGM होता है 9.8 जूल के बराबर। अब अगली चीज आती है, इसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे इसे डायरेक्टली यूज, हर बार आपको डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। अच्छा, ये क्या है, 1 GCM, समझते क्या है, 1 GF इंटू 1 सेंटीमीटर। यहां पे भी चलो इंटू लगा देते हैं, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब GF क्या है, 1 GF 980 सेंटीमीटर, ओ 980 सेंटीमीटर क्यों, 980 डाइन, ठीक है, 980 डाइन और 1 सेंटीमीटर। तो 980 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, अर्घ होता है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया 1 GCM इज इक्वल टू 980 अर्घ। अब हम लोगों ने यहां पे किया क्या, एक तरीके से जो ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट है उसे हमने चेंज कर दिया एब्सोल्यूट एसआई में। और यहां पे हम लोग ने क्या किया, जो ग्रेविटेशनल सीजीएस है उसे हमने चेंज कर दिया एब्सोल्यूट सीजीएस में। बस हो गया काम अपना। नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशंस, तो वर्क डन ध्यान रखिएगा बच्चों, पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, और वर्क डन जीरो हो सकता है। कब कब, जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तब तब वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, कोई नई बात नहीं, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ तो मॉडुलस ऑफ, चलो अच्छा मॉडुलस में दिक्कत हो सकती है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये सीखा हम लोगों ने, वर्क डन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। अब मॉड कोई नई चीज नहीं होती है, वो होता है मैग्नीट्यूड। आई एम वेरी श्योर कि आप ये पढ़ चुके होंगे, तो एफ की जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव में ले लें, और एस यानी डिस्प्लेसमेंट की जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव में ले लें, फिर कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। वर्क का साइन केवल किस पे निर्भर करेगा, कॉस थीटा पे निर्भर करेगा। तो अब कॉस थीटा पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव है, अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन भी नेगेटिव है, और अगर कॉस थीटा जीरो है वो तभी हो सकता है जब थीटा 90 डिग्री हो, तो यानी कि वर्क डन कैसा है, जीरो। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव वर्क के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो यहां पे देखिए क्या होता है, अपना जो बक्सा है वो मान लो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे लग रही है, फ्री फॉल हो रहा है। कैसा कैसी चीज होती है फ्री फॉल, जैसे कि इसे इस ब्लॉक को, आई होप ये दिख रहा है सबको, इस ब्लॉक को मैं नीचे गिरा दे रहा हूं,
दिस इज फ्री फॉल। तो इसमें ग्रेविटी की फोर्स कैसे लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही हो और जा भी नीचे रहा है ना, तो फोर्स ऐसे लग रही है थोड़ी देर बाद ये नीचे चला जाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो यहां आ जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी एस और एफ के बीच में एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है यानी कि कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस जीरो डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा वन। जब कॉस थीटा वन हो गया तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो डिग्री। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू वन, वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा ही कर दिया मैंने, अब बिल्कुल ऐसा ही है ब्लॉक पुल्ड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली में क्या होगा, ब्लॉक अपना इस फोर्स से पुल किया जाएगा, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस, मतलब यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फिर वही हो गया। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो डिग्री, यानी W इज इक्वल टू एफ एस, वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। यहां पे क्या मैं कर रहा हूं, थीटा जीरो डिग्री ले रहा हूं, थीटा जीरो डिग्री ले रहा हूं। अब ट्रॉली बैग में क्या होगा, ये ट्रॉली है, ये जमीन है, ये हैंडल है और ये अपनी आंटी जी है, आंटी जी का ये राज जुड़ा, आंटी जी एयरपोर्ट से आ रही है, ठीक है, और खुश है, ठीक है। तो अब ऐसे आने में आंटी का हाथ थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये एक एंगल पे आ रहा है, किस एंगल पे आ रहा है, थीटा पे। अब इसे हम लोग अगर ऐसा बनाए, अपना फ्री बॉडी डायग्राम जैसा बनाए, तो आंटी ऐसे फोर्स लगा रही है, ऐसे फोर्स लगा रही है, देन दिस इज द एंगल थीटा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा कुछ भी है, आप बोल सकते हैं थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब थीटा जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसीलिए तो मैंने वो लिखा है वहां पर। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब जब थीटा जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, एक्यूट एंगल होता है, उस केस में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि यहां पे अपना वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बस तो तीन केस हम लोगों ने कर लिए, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, पुल्ड हॉरिजॉन्ट, मतलब देखो पुल्ड हॉरिजॉन्टली फॉलिंग वर्टिकली, दोनों केस कर लिए। ट्रॉली बैग पुल्ड बाय आंटी एट एन एक्यूट एंगल, और हमेशा आंटी ट्रॉली बैग जो है वो एक्यूट एंगल में, देखिए यार इस तरफ ले जा रही हैं तब भी थीटा एक्यूट होगा, इस तरफ ले जा रही हैं तब भी थीटा एक्यूट होगा, आप ध्यान दीजिए, तब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, तब भी एक्यूट एंगल ही बन जाएगा। अब आ गए जीरो वर्क में। अब जैसे भाई एक सज्जन है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम दीवार को ही गिरा दें, तो भाई कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने हाथों से दीवार को नहीं गिरा पाएगा, नहीं गिरा पाएगा यानी दीवार कभी नहीं चलेगी, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। कुली स्टैंडिंग विद बॉक्स ऑन हेड, फिर खड़ा ही है कहीं पे, कुछ चल नहीं रहा है, तो एस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मजेदार तब होता है जब कुली बॉक्स लेकर आगे जाता है तब भी वर्क डन जीरो होता है। कैसे होता यह है, अगर कुली कोई वेट अपने सर पे रखे हुए है, जैसे ये सर पे अपने वेट रखे हुए है, तो ये वेट इसके हेड पर फोर्स लगाता है
और कुली का हेड भी इस पर फोर्स ऊपर लगाता है। इस ऊपर फोर्स लगाने को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? यानी कि कुली का हेड इस पर नॉर्मल रिएक्शन एन लगा रहा है और कुली चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन की ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है, आपस में 90 डिग्री है। और जब हम लोग वर्क डन करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो वर्क डन यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? ये 10th में भी पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा, आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसे सवाल है ये वाला केस। फिर सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, यहाँ पे भी काफी सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग यहां पर अपना मान लीजिए ये बीच में अर्थ है, ये बड़ी है, और अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा, मून को ही ले सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। होता यह है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये फिर 90 डिग्री हो गया, है ना? एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है कि ये गोल घूम के हमेशा वहीं आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इस वजह से भी वर्क डन जीरो बोल सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री, उसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। फिर यहां पे क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि कॉस 90 डिग्री होता है तो वर्क डन जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ स्पेस विद नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे यार वर्क डन जीरो क्यों होगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं है, देयर इज नो एफ इलेक्ट्रिक, डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है शायद, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इन बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सारे केसेस जीरो वर्क डन के हो गए। कॉपी कर लीजिए। अब आ गए नेगेटिव वर्क पे। अगर हम लोग बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, भाई किसी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये जा ऊपर मतलब केवल अपवर्ड जर्नी ही आप ले रहे हैं ना, तो जब जा ऊपर रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो फिर गड़बड़ हो रहा है ना? इसका डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस बार हम लोग जो एंगल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहां है तो एंगल जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जी एस कॉस 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो फ्रिक्शन हमेशा उसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, ये तो हमेशा फ्रिक्शन का मतलब जिद ही ये है, तो उधर फोर्स लगाओगे तो हम इधर लगेंगे, इधर फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन ये भी हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, अब ये वाला एफ ले लिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो कॉस 180 डिग्री यहां पे लिख दिया। फिर से यहां पे अपना वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया,
अब आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, ये 180 डिग्री वाला तो हमें समझ में आ गया, आप हमें ये बताइए 180 डिग्री से कम में भी तो आपने नेगेटिव बोला है, बिटवीन 90 एंड 180, जैसे एक्यूट एंगल में पॉजिटिव, 90 डिग्री में जीरो। उसी तरह एक और क्लेम किया जा सकता है कि ऑब्ट्यूस एंगल में नेगेटिव होता है ना? तो आप हमें ऐसा करिए, ऑब्ट्यूस एंगल वाला समझाइए, ये सब तो आता है हमें, ठीक है? ऑब्ट्यूस वाला भाई बताते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे ले लो, तब भी हम लोग एफ कॉस थीटा में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन अभी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसी है, ठीक है ना? और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, तो अगर आप फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स और इस फोर्स के बीच में एंगल लेंगे तब तो ऑब्ट्यूज आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तब भी नहीं, ये 180 डिग्री वाला केस आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन गड़बड़ हो गया, तो अब हम इस वाले एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं। ये ऐसा ब्लॉक है, इसमें फोर्स ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन नेट में डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने देखा था कि इस डायरेक्शन में था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो था वो ऐसा वाले में बन गया था। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, फोर्स ये लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपना ये लग रहा है, तो ये एंगल थीटा जो है कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए यहां पे भी वर्क डन नेगेटिव रहेगा। जब भी आपसे नेगेटिव वर्क डन की बात की जाए तो आप फ्रिक्शन वाला ऐसे नॉर्मली बता दीजिए और अपवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी ये वाला बता दीजिए। तो ये जो तीन बातें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वाली लिखी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ऐड शुगर टू कॉफी वाले कॉन्सेप्ट से बता दीजिए। तो देखिए, जब तक जीरो से 90 डिग्री के बीच में तो सभी पॉजिटिव हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, ये बात लिखी है। जब कॉस 90 की बात आ रही है तो कॉस 90 जीरो पहले ही से होता है, तो हम पहले से जानते हैं यहाँ एड शुगर टू कॉफी काम नहीं आया, लेकिन यहां काम आएगा। कॉस नेगेटिव कब होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, ये क्लेम हम कर रहे हैं। और हम लोग एएसटीसी में भी जानते हैं कि जब यहां इस वाले एंगल में हम लोग होते हैं मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तब सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होगा, टेन भी नेगेटिव होता है ना? तो हम कॉस में इंटरेस्टेड हैं, तो कॉस इज नेगेटिव इन ऑब्ट्यूस एंगल, कॉस इज पॉजिटिव इन एक्यूट एंगल, कॉस इज जीरो इन 90 डिग्री, ठीक है? ऐसे भी समझ सकते हो।